गुड मॉर्निंग, मैं नेमी घनश्याम देशपांडे, मैं हिलोस की तरफ से आपको कुछ डिश बनाने चाहती हूँ। और हमारे मैनेजर का नाम है सुचित्रा वाले मैडम, हमारी ब्रांच मैनेजर है ज्योति नायक मैडम। आज हमारी रेसिपी आपको हम दिखाना चाहते हैं। जैसे मैं राजमा बना रही हूँ, राजमा देखो हिलोस कंपनी के इसमें बना रही हूँ। राजमा को मैंने रात भर सोख करके रखा है। अब मैं इसे थोड़ा बॉइल भी कर लूँगी और मैंने प्याज टमाटर धनिया अदरक लहसुन का पेस्ट है इसी में आप पूरा मसाले नमक है नमक धनिया पाउडर हल्दी मिर्च पाउडर जीरा ये सारी चीज़ें अब हम हिलोस के कुकवेयर में मैंने राजमा में आप देख सकते हो राजमा में मैंने एक प्याज डाला है मिर्ची डाली हुई है इसे मैं बॉईल कर लूँ। अभी हमारा राजमा बॉईल हो चुका है। मुझे राजमा बॉईल क्यों अच्छा लगता है इसलिए मैंने पहले बॉईल किया है। डायरेक्टली हम लोग हिलोस के कुकर में बना सकते हैं, राजमा भी बना सकते हैं और उसके साथ में चावल भी बनाएंगे और इसमें तेल बहुत कम लगता है। बहुत ही कम तेल में हम लोग बना रहे हैं। सबसे पहले मैं जीरा डालूंगी, जीरा थोड़ा मैश करके हम डालेंगे प्याज जीरा हमारा हो गया है। इसमें प्याज डाल दूँ, थोड़ा हींग डालना है, डाइजेशन भी अच्छा होता है। कम समय में बहुत अच्छे से हम बना सकते हैं। पेस्ट बनाया हमने अदरक लहसुन टमाटो मिर्च में डाल दिया है। हिलोस के कुकवेयर अच्छे हैं, थोड़ा कुछ सेकंड के लिए हम उसे रखना है गैस पे, धीमी गैस पर ही हम लोग करेंगे। मिर्ची पाउडर आप अपने स्वाद में डाल सकते हो, धनिया पाउडर हल्दी नमक स्वाद अनुसार इसे भी मिक्स करना है। हमें जो हमारा राजमा का पानी था उसी को हम डाल देते हैं। बड़ा प्यारा सा कलर आ रहा है। हमने गैस का फ्लेम जो है वो कम ही रखा हुआ है, उसी में ही देखो थोड़ी धीरे धीरे बहुत सारे फायदे हैं। इसको करके आपको ऑयल भी नहीं लगता है, गैस भी आपकी बच जाती है और खाना भी जल्दी बच जाता है। मुझे स्कूल जाना है इसलिए फटाफट रेडी कर रहे हैं प्रिपरेशन। इसलिए राजमा हमने बॉइल हुआ राजमा अच्छा लगता है इसे बॉइल किया है। दो मिनट में हमारा मसाला अच्छे से भून जाएगा। टेस्टी किचन मसाला हम डाले ज़्यादा नहीं डाले, बहुत टेस्टी सब्जियाँ बन जाती है उसी में। राजमा डाल दें इसमें